वेलकम टू द लेसन नंबर 23। आज के इस लेसन में हम बात करेंगे CSS बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आज देखेंगे कि कैसे हम CSS बॉर्डर्स की प्रॉपर्टीज़ सेट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग प्रोग्राम के थ्रू ही देखते हैं, CSS बॉर्डर प्रॉपर्टीज़। तो इसको प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं, तो आइए प्रोग्राम इस पर बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर नोट पैड ओपन कर लेता हूँ। हमें ऊपर के कुछ कंटेंट चाहिए तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। एक न्यू फाइल हम लोग ले लेते हैं, लैंग्वेज पे आ जाते हैं, HTML, और यहाँ पर हम स्टाइल को क्लोज कर देंगे, हेड को क्लोज कर देंगे, और यहाँ पर बॉडी हमें रखना है। ठीक है, बॉडी में कुछ कंटेंट डाल देते हैं, राइट। तो जैसे सपोज मैं यहाँ पर कर देता हूँ सॉलिड, यहाँ पर हम लोग कर देते हैं सॉलिड, और फिर उसके बाद में कर देते हैं डबल, फिर उसके बाद में कर देते हैं डॉटेड, फिर उसके बाद में कर देते हैं डैश, फिर उसके बाद में कर देते हैं ग्रूव, फिर उसके बाद में कर देते हैं इनसेट, फिर उसके बाद में कर देते हैं आउटसेट, फिर उसके बाद में कर देते हैं रिज। रिज और फिर यहाँ पर हम लोग हेडिंग ले लेते हैं H1, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सॉलिड बॉर्डर। सॉलिड बॉर्डर मैं H1 को क्लोज कर दूंगा। ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर H2, यहाँ पर H2 लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं डबल बॉर्डर। ठीक है, और यहाँ पर H2 को क्लोज कर देते हैं, और फिर H3 लिखते हैं, और H3 को कर देते हैं डॉटेड बॉर्डर। ठीक है, और यहाँ H3 को भी क्लोज कर देते हैं, फिर H4 पे आ जाते हैं, और इसमें कर देते हैं डैश्ड बॉर्डर, और H4 को भी क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से H5 ले लेते हैं, H5 में ग्रुप बॉर्डर कर देते हैं, ग्रुप बॉर्डर H5, और इसी तरीके से H6 ले लेते हैं इनसेट, इनसेट बॉर्डर। ठीक है, इनसेट बॉर्डर, और इसी तरीके से यहाँ पर हम एक डिव टैग लगाएंगे, यहाँ पर एक डिव टैग लगाएंगे। ठीक है, और इसमें कर देते हैं आउटसेट बॉर्डर, आउटसेट बॉर्डर, इसमें डिफ क्लोज कर देते हैं, और एक पैराग्राफ टैग ले लेते हैं जिसमें कर देते हैं रिज बॉर्डर। ठीक है, यहाँ पर पैराग्राफ ले लिया हमने, और इसके अंदर हमने रिज बॉर्डर लिख दिया। मैं यहाँ पर बॉडी को क्लोज करता हूँ,
और HTML को भी क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर स्टाइल में आ जाता हूँ। हमें इस पर कुछ स्टाइल देनी है, तो सबसे पहले हम लोग H1 सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और H1 में हम यहाँ पर बॉर्डर कर देते हैं, यहीं पे कर देते हैं बॉर्डर, और इसको कर देते हैं 5 पिक्सल। बॉर्डर को क्या कर देते हैं, 5 पिक्सल। ठीक है, सॉलिड रेड, 5 पिक्सल सॉलिड रेड कर देते हैं, और ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं। फिर हम कर देते हैं H2, H2 के लिए कर देते हैं बॉर्डर 5 पिक्सल, इसके लिए भी 5 पिक्सल कर देते हैं, और यहाँ पर कर देते हैं डबल ब्लू। ठीक है, और यहाँ पर H3 कर देते हैं, फिर बॉर्डर, फिर 5 पिक्सल, फिर डॉटेड एलो, डॉटेड एलो। ठीक है, और फिर H4 कर देते हैं, और इसके अंदर हम लोग कर देते हैं बॉर्डर 5 पिक्सल, 5 पिक्सल, और यहाँ पर कर देते हैं डैश्ड पिंक। ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं 5 पिक्सल डैश्ड पिंक। इसी तरीके से H5 ले लेते हैं, यहाँ पर हम बॉर्डर देंगे, बॉर्डर 5 पिक्सल, बॉर्डर 5 पिक्सल, और यहाँ पर ग्रूव दे देंगे, ग्रूव ब्लू। ठीक है, इसी तरीके से H6 हम देंगे, यहाँ पर बॉर्डर 5 पिक्सल, आउटसेट, यहाँ पर आउटसेट दे देंगे, ठीक है। H6 में हमने क्या दिया है, हमने यहाँ पर अगर देखें, तो H6 में हमने इनसेट बॉर्डर दिया है, तो यहाँ पर हम लोग इनसेट बॉर्डर कर देते हैं, जो ये आउटसेट लिखा है हमने। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ आ जाते हैं और डिफ टैग पे दे देते हैं बॉर्डर विथ 5 पिक्सल, बॉर्डर विथ 5 पिक्सल, और बॉर्डर स्टाइल बॉर्डर स्टाइल दे देते इनसेट। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं और पैराग्राफ पे दे देते हैं, पैराग्राफ पे देते हैं, पैराग्राफ पे देते हैं बॉर्डर, बॉर्डर 5 पिक्सल, और इसे कर देते हैं रिस। ठीक है, 5 पिक्सल रिज, राइट। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें, तो पैराग्राफ पे हमने रिज दिया है और आउटसेट पे हमने डिव दिया है। ठीक है,
आउटसेट पे हमने डिव दिया है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको डिव कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा एच सिक्स है, ये हमारा हो जाएगा इनसेट और ये हो जाएगा आउटसेट। इसको इनसेट कर देते हैं और इसको कर देते हैं आउटसेट। ठीक है, क्योंकि डिव में हमारा आउटसेट है। इसको सेव कर लेते हैं फाइल को, मैं यहाँ पर फाइल 44.html कर देता हूँ, 44 कर देता हूँ, ये ऑल टाइप हो जाएगा। इसको सेव कर देते हैं और इसे रन करेंगे हम लोग। हमें फाइल 44 को रन करना है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, ये आपको यहाँ पर बॉर्डर्स मिलेंगे, सभी के अलग अलग बॉर्डर्स मिलेंगे। ठीक है, तो पहला सॉलिड बॉर्डर है, फिर डबल बॉर्डर है, फिर डॉटेड है, डैश्ड है, ग्रूव है, फिर इनसेट बॉर्डर है, फिर आउटसेट बॉर्डर है और फिर रिज बॉर्डर है। राइट, तो इस तरीके से हम लोग बॉर्डर्स सीएसएस के अंदर लगा सकते हैं। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, इस प्रोग्राम की प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिकल आ गया तो आप थ्योरेटिकल लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसको प्रैक्टिकली समझना है। राइट, तो अब हम लोग आ जाते हैं टेबल प्रॉपर्टीज़ पर। अब हम समझेंगे कुछ टेबल प्रॉपर्टीज़ के बारे में यहाँ पर। तो अब हम लोग देखेंगे टेबल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो टेबल प्रॉपर्टीज़ को भी हम लोग प्रोग्राम के थ्रू ही समझते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, एक न्यू फाइल बनाते हैं और यहाँ पर लैंग्वेज पे आ जाते हैं। यहाँ पर हम लोग HTML सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग ये पोर्शन डाल देते हैं। राइट, इसमें हम लोग स्टाइल को क्लोज कर देंगे। ठीक है, स्टाइल को क्लोज कर देंगे और फिर यहाँ पर हम लोग बॉडी टैग लगाएंगे। पहले हेड टैग को क्लोज कर देते हैं और फिर बॉडी टैग लगाएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर टेबल प्रॉपर्टीज करने जा रहे हैं। टेबल्स में क्या क्या हम चीज़ें डाल सकते हैं वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर H1 टैग ले लेता हूँ। ठीक है, और इस पे मैं लिखूंगा टॉपर्स ऑफ द क्लास, ऑफ द क्लास इन सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, और यहाँ पर H1 कर देते हैं। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ टेबल। ठीक है, हम लोगों ने टेबल पढ़ा हुआ है तो यहाँ पर हम टेबल ले लेंगे, फिर हम ले लेंगे TR और फिर हमें लेना है TH। ठीक है, तो TH में हम ले लेते हैं पहले नेम। ठीक है, फिर ले लेते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और फिर ले लेते हैं मार्क्स, TH, यहाँ पर ले लेते हैं मार्क्स, TH को क्लोज कर देंगे। ठीक है, और ले लेते हैं पोजीशन। ठीक है, और क्या ले लेते हैं पोजीशन,
यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, tr को क्लोज कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पर tr लगाते हैं और अब लगाएंगे td, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नाम ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया नीरज, td को क्लोज कर दिया, यहाँ पर td स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं मैथमेटिक्स, यहाँ पर td को क्लोज कर दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पर हम td लगाते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 96, td को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखते हैं td और यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट, ठीक है। और यहाँ पर td को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और फाइनली हम लोग यहाँ पर tr को भी क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो th था हमारा क्लास के लिए, th हमने यहाँ पर मार्क्स लिखा था ना, तो इसमें एक क्लास लगा देते हैं हम लोग, क्लास इसको भी हम लोग एक्सेस करेंगे ऊपर से, और क्लास में डाल देते हैं मार्क्स, मतलब यहाँ पर मार्क्स नाम से एक क्लास बना लेते हैं, और पोजीशन में भी एक क्लास बना देते हैं मार्क्स के नाम से, क्लास इक्वल टू यहाँ पर मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक क्लास बना दी है, और इस क्लास को हम लोग ऐसा करते हैं इसके करस्पॉन्डिंग सेल में भी डाल देते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर सेल है इसमें डाल देते हैं, और यहाँ पर सेल है इसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर जो मार्क्स है और पोजीशन है इस पर हमने दो क्लासेस के एट्रीब्यूट्स लगा दिए हैं। अब मैं यहाँ पर एक नीचे न्यू रो लूँगा, यहाँ पर एक न्यू रो लेते हैं, ठीक है। और इस रो में एक क्लास लगाते हैं इवेंट, ठीक है। यहाँ पर एक क्लास लगाते हैं इवेंट, और यहाँ पर टीडी लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए वी के मिश्रा, ठीक है। टीडी क्लोज कर दीजिए, फिर यहाँ पर टीडी दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए नेचुरल साइंस, ठीक है। यहाँ पर टीडी क्लोज कर देते हैं, यहाँ पर टीडी स्टार्ट करिए, यहाँ पर हम वही क्लास ले लेते हैं, यहाँ पर क्लास ले लेते हैं, ठीक है। क्लास वही मार्क्स ले लेते हैं और यहाँ पर कर देते हैं 98, यहाँ पर टी डी क्लोज कर दिया जाए, ठीक है। और फिर हमें यहाँ पर टी डी लेना पड़ेगा, दोबारा एक और टी डी लेना है, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, वही क्लास लगा देते हैं मार्क्स की, और इसमें भी लिख देते हैं फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पर td क्लोज कर दीजिएगा, नीचे आ जाते हैं, हमें tr क्लोज करना है, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, एक न्यू tr लेते हैं,
यहाँ पर एक न्यू TR लेते हैं, नेक्स्ट रो, और इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं TD, ठीक है। यहाँ पर आप नाम दे दीजिए मोनिका, TD क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर आप नाम दे दीजिए हिस्ट्री, यहाँ पर TD क्लोज कर दीजिए। यहाँ पर आप TD और क्लास मार्क्स दे दीजिए। यहाँ पर हम TD क्लोज कर देते हैं, TD स्टार्ट करेंगे, यहाँ भी क्लास मार्क्स देंगे, ठीक है। और यहाँ पर कर देते हैं फर्स्ट और TD, ठीक है। यहाँ पर TR को क्लोज कर दिया जाए। फिर हम लोग एक लास्ट रो और बना लेते हैं TR, इसमें भी हम लोग कर देते हैं क्लास इक्वल टू इवेंट, ठीक है। और यहाँ पर TD कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर कर देते हैं अनीता, TD को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर TD स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं फिजिक्स, ठीक है। यहाँ पर TD क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट TD ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लास इक्वल टू मार्क्स लगा देते हैं। यहाँ पे 96, TD क्लोज कर देते हैं। फिर एक लास्ट TD और ले लेते हैं, जिसमें हम क्लास मार्क्स लगा देते हैं फर्स्ट, और TD को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर TR को भी क्लोज कर देते हैं, और फाइनली टेबल को भी क्लोज कर देते हैं, और बॉडी को भी क्लोज कर देते हैं, और फाइनली HTML भी क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने टेबल बना ली है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 4 रो रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने 4 रो रखे हैं और 4 फील्ड्स भी रखे हैं, ठीक है, मतलब हमने 4 कॉलम भी रखे। अब हमें क्या करना है, हमें इस पर स्टाइल्स देनी है, ठीक है। तो स्टाइल्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ आना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बॉडी पर स्टाइल देता हूँ, तो यहाँ पर आपको लिखना है बॉडी कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पर हम देते हैं फॉन्ट फैमिली, ठीक है, फॉन्ट फैमिली एरियल, और कॉमा से सेपरेट करके हम 2-3 यहाँ पर हम फॉन्ट फैमिली देते हैं, एरियल, वरदाना, ठीक है, सैंस सेरिफ, सैंस सेरिफ सेमीकोलन, ठीक है। और यहाँ पर कलर दे दीजिए, ठीक है, मैं कोई भी ऐसे रैंडम कलर देता हूँ। और इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं टेबल, यहाँ पर हम देंगे टेबल की विथ, हम इसको देते हैं 600 पिक्सल, ठीक है। फिर TH और TD, इस पर हम स्टाइल देंगे, तो इसमें हम लोग पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग कर देते हैं 7 पिक्सल, ठीक है, स्पेस 10 पिक्सल, स्पेस 10 पिक्सल,
ठीक है, और 10 पिक्सल, ठीक है। लेफ्ट राइट सेंटर बॉटम हमने चारों तरफ का यहाँ पर दे दिया है, और इसे हम क्लोज कर देते हैं। फिर हम टी एच में कुछ स्टाइल देंगे, तो जैसे हम देते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है, इसको कर देते हैं अपर केस, ठीक है, इसको कर देते हैं अपर केस, सेमी कॉलन। फिर हम लोग कर देते हैं लेटर स्पेसिंग, और इसको कर देते हैं 0.1 ई एम कर देते हैं, ठीक है। ये लेटर स्पेसिंग हम लोगों ने कर दिया यहाँ पर। इसी तरीके से फॉन्ट साइज कर देते हैं, फॉन्ट साइज 90%, और बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर बॉटम कर देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड, 2 पिक्सल सॉलिड, ठीक है, 2 पिक्सल सॉलिड। कलर हम कोई भी रैंडम देते हैं, 111111 कर देते हैं, ठीक है। बॉर्डर टॉप कर देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड, 1 पिक्सल, 1 पिक्सल सॉलिड, सॉलिड। हैश 999 कर देते हैं। टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन हम कर सकते हैं लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने टीएच पे कुछ स्टाइल्स दी हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने टीएच के अंदर कुछ स्टाइल्स दिए। हम टीआर पे भी देंगे क्योंकि हमने इवेंट क्लास वहाँ पे बनाई थी। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे tr डॉट इवेंट, ठीक है। तो इसमें हम लोग करते हैं बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड कलर कोई भी यहाँ पर देते हैं, ट्रिपल सी कर देते हैं, देखते हैं अगर लेता है तो, ठीक है, नहीं तो कोई भी हम लोग यहाँ पर कलर दे देंगे, कोई इशू नहीं है। और फिर हम लोग टी आर होवर कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे, यहाँ पर हम देते हैं हैश C3E6E5। ये कुछ स्टैंडर्ड कलर होते हैं, कुछ ब्राउज़र में ले लेते हैं, कुछ में नहीं लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं। और फिर हम लोग देंगे मार्क्स, हमने मार्क्स के नाम से भी क्लास बनाई थी, तो डॉट से हम एक्सेस करेंगे क्योंकि जो क्लास होती है उसे हम डॉट से एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर हमने डॉट मार्क्स लिखा है और इसको हम लोग यहाँ पर एक्सेस करेंगे, और इसको कर देते हैं टेक्स्ट अलाइन राइट, टेक्स्ट अलाइन राइट कर देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारे
स्टाइल्स होंगे जो हम इस टेबल पर लगाएंगे। अब इसे हम सेव करेंगे इस फाइल को 45.html के नाम से सेव करेंगे। ठीक है, अब हम इसे रन करेंगे। 45.html हमारी फाइल। तो ये वाली फाइल है हमारी, यहाँ नीचे खुल गई है फाइल। फाइन, तो ये देखिए हम जब माउस को होवर कर रहे हैं तो इसका कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये इंटरैक्टिव हमने स्टाइल दी है टेबल के ऊपर। ठीक है, जब हम कर्सर को लेकर जा रहे हैं रो के ऊपर तो ये होवर प्रॉपर्टी से चेंज हो रहा है कलर। ठीक है, ये देखिए होवर प्रॉपर्टी से चेंज हो रहा है। तो ये जो भी हम लोगों ने यहाँ पर करा है, अब देखिए मार्क्स में हमने क्या दिया था, राइट अलाइनमेंट। तो मार्क्स में सारे जो ये मार्क्स है ना, ये सारे राइट अलाइनमेंट में आ गए हैं। पोजिशन में भी ये राइट अलाइनमेंट में आ गए। ओके, तो इस तरीके से हम टेबल के ऊपर स्टाइल्स लगा सकते हैं। तो ये प्रोग्राम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको 2-3 बार ज़रूर करिएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बट आप 2-3 बार करेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बस सिंपल टेबल लिया गया है, 4x4 का रो और कॉलम लिया गया है, उसमें कंटेंट डाला गया है और उस पर स्टाइल लगाई गई, बस। ठीक है, तो इसको आपको करके देखना है। तो आज के इस लेसन में हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलते हैं कल एक नए लेसन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। थैंक यू।